हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते शोएब। तो इससे पहले आज के टॉपिक पर आएं, जरा फटाफट ये देख लें कि कोविड-19 की क्या अपडेट्स हैं। उसके लिए मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में अलग अलग देशों की क्या हालत है। जहां भी आपको ब्लू कलर दिख रहा है, वो ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है रिकवर्ड, और जहां भी रेड दिख रहा है वो है डेथ, और ग्रे यानी एक्टिव। अब जिन देशों में ब्लू कलर आपको ज्यादा दिख रहा है, जैसे हुआ ब्राजील, चाइना, जर्मनी, जर्मनी में ब्लू कलर ज्यादा है, ग्रे कलर थोड़ा कम है, ब्लू कलर थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद हुआ साउथ कोरिया, ईरान, ये कुछ ऐसे देश हैं। इवन स्पेन भी उसी तरफ बढ़ता दिख रहा है। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर नंबर ऑफ पेशेंट्स हु हैव रिकवर्ड इज मोर देन एक्टिव केसेस, यानी पेशेंट्स जो अभी भी एडमिट हैं उनका जो नंबर है वो कम है, और पेशेंट्स जो रिकवर होके अपने घर जा चुके हैं उनका नंबर ज्यादा है। तो ये हैं ऐसे देश जो रिकवरी की राह पर हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, यहां पर आपको ब्लू कोई भी इसलिए नहीं दिख रहा है, यहां पर उसका एक्सप्लेनेशन भी है कि एक्टिव केसेस बहुत ज्यादा हैं और डेथ्स जो हैं, जितने लोगों की जान जा चुकी है वो काफी ज्यादा है उन लोगों के कंपैरिजन में जो रिकवर होके घर जा चुके हैं। हम बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया में ये ग्राफ इंडिया का है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहां पर आप देख सकते हैं ग्रे यानी नंबर ऑफ एक्टिव केसेस काफी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ब्लू कलर, यानी नंबर ऑफ वो केसेस, नंबर ऑफ वो पेशेंट्स जो रिकवर होकर घर जा चुके हैं। यानी अभी हम इस लेवल पर आने में थोड़ा हमें टाइम लगेगा। इसके बाद एक ही अच्छा ग्राफ मुझे मिला तो मैं इसको लेके आया। ये है अगर हमारे यहाँ लॉकडाउन नहीं होता तो मार्च 25 से 6 अप्रैल तक जो ग्रोथ रेट था इस डिजीज का वो 16.1% था, और अगर यही रेट फॉलो होता तो आज टोटल केसेस इंडिया में 73,000 के अराउंड होते। लेकिन चूंकि लॉकडाउन हुआ तो अप्रैल 6 से अप्रैल 23 की जो ग्रोथ थी वो कम थी, और उसकी वजह से एक्चुअल केसेस आज हमारे पास 23,000 के आसपास हैं। तो लॉकडाउन ने जरूर बहुत अच्छा काम किया है, इसकी सराहना जरूर की जानी चाहिए। और इसके बाद है कंफर्म केसेस पर 100 टेस्ट। अगर 100 टेस्ट होते हैं तो कितने लोग उसमें पॉजिटिव निकलते हैं, उसका क्या रेट है। तो जो रेड बार्स आपको दिख रहे हैं वो रेट है, वो रेट आप ये देख सकते हैं काफी टाइम से 4.3-4.4% के आसपास ही है। और जो शेडेड रीजन है ये नंबर ऑफ टेस्ट है। तो जैसे अप्रैल 19 का अगर हम एग्जाम्पल लें तो अप्रैल 19 में शेडेड रीजन के हिसाब से अराउंड 4 लाख टेस्ट इंडिया में हुए थे, और 4.4% रेट था, 4 लाख में से 4.4% लोग पॉजिटिव पाए गए थे अप्रैल 19 के बाद। अप्रैल 23 की अगर बात करें तो ये शेडेड रीजन एकदम से 5 लाख तक आ जाता है, यानी 5 लाख लोग टेस्ट हो चुके थे, लेकिन जो रेट है पॉजिटिव केसेस आने का वो रेट 4.4% ही था। तो जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे परसेंट ऑफ पॉजिटिव केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, वो लगभग 4.3-4.4% के आसपास ही हैं, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड न्यूज। और इसके बाद ये हैं टॉप 10 सिटीज जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस अभी हैं। इसमें है मुंबई, इसके बाद हैं दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, जयपुर, ठाणे, हैदराबाद, सूरत और चेन्नई। ये ऐसे 10 शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस इंडिया में अभी हैं। तो ये तो थे कोविड-19 के हाल। खैर आज हम बात कर रहे हैं कैशबैक ऑफर्स के बारे में। तो अभिषेक, आपने सुना होगा कैशबैक ऑफर्स के बारे में, कोई चीज आप खरीदो और उस पर 10%, 20%, 50%, इवन 100% कैशबैक। तो ऐसा ही कुछ कैशबैक का ऑफर आजकल क्रूड ऑयल पर चल रहा है। इनफैक्ट ये तो इतना गजब का ऑफर है कि इस कैशबैक के लिए आपको कैश देने की जरूरत ही नहीं, आप प्रोडक्ट भी लो और पैसे भी ले लो, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में है। लेकिन क्या असली में ऐसा कोई ऑफर चल रहा है, इसी के बारे में डिटेल में आज अभिषेक हमको समझाने वाले हैं। तो ओवर टू यू अभिषेक। मंडे को आपने सामने कहा कि क्रूड ऑयल का जो कच्चा तेल था उसी कीमत नेगेटिव हो गई थी, यानी कि जो सेलर है वो कह रहे थे कि आप हमसे पैसा लीजिए और हमारा माल खरीदिए। तो ये हुआ क्यों?
ये समझने से पहले हम कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्रूड ऑयल का ट्रेड होता कैसे है। जो कच्चा तेल जब निकलता है तो जो कच्चा तेल निकलता है उसके 160 टाइप्स होते हैं, 160 टाइप्स का कच्चा तेल निकलता है। उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए दो पैरामीटर यूज किए जाते हैं, एक होता है WTI और दूसरा होता है ब्रांड। WTI होता है बेस्ट एक्सेस इंटरमीडिएट, और ये यूज होता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में, और दूसरा होता है ब्रांड यूरोप और एशिया में। जो इंडिया में पैरामीटर यूज करते हैं वो होता है ब्रांड। ये पैरामीटर समझने के लिए आपको बताया कि जैसे जो गोल्ड है, जो गोल्ड हम खरीदते हैं तो गोल्ड में हम यूज करते हैं कैरेट, 22 कैरेट गोल्ड है या 24 कैरेट का गोल्ड है। इसी तरह WTI और ब्रांड यूज किए जाते हैं कच्चे तेल के लिए। ठीक है, जो मंडे को जो तेल की कीमत गिरी थी वो थी WTI जो कि US में ट्रेड होता है। यानी ब्रांड पे कोई वैसे भी फर्क नहीं था, इंडिया पे वैसे भी कोई फर्क नहीं आता। हाँ, ब्रांड जो था ब्रांड उसी पे $20 पे ही ट्रेड हो रहा था, WTI नेगेटिव गया था। ओके, उसका जो रीजन था जो नेगेटिव जाने का वो था कि ये जो था फ्यूचर मार्केट में गया था, ये एट प्रेजेंट जो आज की जो प्राइस है, अगर मैं तेल खरीदने जाता हूँ किसी से तो उस समय उसके भाव पे फर्क नहीं था। जो तेल का जो कारोबार होता है वो होता है फ्यूचर मार्केट में, जो WTI है ये न्यूयॉर्क का जो फ्यूचर मार्केट है, न्यूयॉर्क का जो कमोडिटी एक्सचेंज है वहाँ पे ट्रेड होता है। इस ट्रेडिंग में भी दो टाइप के ट्रेडर्स रहते हैं, एक जो कि एक्चुअल में जो कि तेल खरीदते बेचते है, और दूसरे होते हैं जो कि सिंपल ट्रेड करते हैं, okay. भाव ऊपर नीचे होते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। okay. फ्यूचर जो ट्रेड होता है जो क्रूड ऑयल का, उसकी हर महीने एक्सपायरी होती है। एक डेट पे जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है बायर से सेल ने वो हो जाएगा एक्सपायर। उस तारीख को आप तो या तो आपको डिलीवरी देना पड़ेगी, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट जो साइन जो खरीदा है आपने, जितने भी आप सपोज किए कि मैंने एक बैरल ऑयल फ्यूचर में खरीद रखा राइट, आज एक्सपायरी है तो मुझे आज उसकी डिलीवरी लेना पड़ेगी या मुझे उसको फ्यूचर में रोल ऑफ करना पड़ेगा। अब 21 तारीख 20 तारीख को मंडे को ये हुआ कि मई के जो कॉन्ट्रैक्ट थी उसकी थी एक्सपायरी। उस दिन अभी जो लॉकडाउन की वजह से कोई दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है उस वजह से ऑयल की डिमांड बहुत ही कम हो गई है, यानी आज की तारीख में कोई ऑयल खरीदना नहीं चाहता है। अब जो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, जिन्होंने पास कॉन्ट्रैक्ट है डिलीवरी लेना नहीं चाहते थे, डिलीवरी ले रहे गए, अभी इस कंडीशन में आज की तारीख में स्टोरेज की भी कैपेसिटी नहीं है। राइट, एक जो हमारे पास एक नंबर है उसके अकॉर्डिंग 10 अप्रैल को US का 72% जो ऑयल कैपेसिटी थी वो फुल हो गई थी। और उसके साथ साथ आज इस महीने अप्रैल में लगभग 14 करोड़ बैरल ऑयल जो की शिप्स में भरा हुआ है, जो बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी 14 करोड़ ने उस शिपों में भर के रखा हुआ है, क्योंकि अभी आज की तारीख में डिमांड नहीं होने की वजह से ऑयल का प्रोडक्शन उसी रेट से हो रहा है। पर अब स्टोरेज करें तो शिपों में हमने स्टोर करके रखा हुआ है, शिप में समुद्र में ये 14 करोड़ ऑयल तैर रहा है। अब से एक जो भी हम एक जो टर्म यूज करें बैरल बता दूं बैरल के मीनिंग क्या होता है, जो ऑयल की यूनिट होती है एक बैरल होता है 59 लीटर्स। ओके, ये 20 तारीख को एक सडन ड्रॉप मिला है WTI में। यानी उस दिन हुआ ये कि जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट थे वो डिलीवरी लेना नहीं चाह रहे थे और वो बेचना चाह रहे थे। अब मार्केट में खरीदार ही नहीं था तो प्राइस इतनी नीचे चला गई कि लोग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस कंडीशन में पहुंच गया कि लोग कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए पैसे दे रहे थे कि आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट ले लो, आप डिलीवरी ले लो, कि हम डिलीवरी लेना नहीं चाहते क्योंकि अभी मार्केट में डिमांड भी नहीं है ना स्टोरेज कैपेसिटी है। राइट, तो ये रीजन कि उस दिन मार्केट जो क्रैश हुआ था, जो नेगेटिव में प्राइस रही थी। अभी जून की बात करें, जो जून का जो कॉन्ट्रैक्ट नया चालू हुआ है उसमें अभी भी WTI की भी प्राइस $20 के आसपास चल रही है। ओके, दूसरा ये ग्राफ है जिसे आप सुने कि डिमांड और सप्लाई में कितना फर्क आया है। जो सप्लाई है ऑयल की वो कॉन्स्टेंट है, जो 10 करोड़ बैरल पर डे उसी पे कॉन्स्टेंट है, पर डिमांड लगभग 1 से 1.5 करोड़ बैरल कम हो गई है। अभी हाल ही में OPEC प्लस OPEC+ ने अनाउंस किया है जो प्रोडक्शन कट करेगी वो अनाउंस किया है, वो है 60 लाख बैरल पर डे। डिमांड जो कम हुई है वो ये लगभग एक करोड़ बैरल पर डे की, जो डिफरेंस आ रहा है वो भी 40 लाख बैरल पर डे का डिफरेंस है। 40 लाख बैरल पर डे का ये एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस किया जा रहा है।
क्वेश्चन ये उठता है कि ऑयल का प्रोडक्शन कम क्यों नहीं किया जा रहा ज्यादा, क्योंकि डिमांड कम हो गई तो ऑयल का प्रोडक्शन उस हिसाब से कम क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूस करता है अगर प्रोडक्शन बंद करके स्टार्ट करता है तो उनको काफी महंगा पड़ता है, इससे अच्छा वो चाहते हैं कि ऑयल का प्रोडक्शन चलता रहे। और अगर कभी कभी सिचुएशन सही में बनती है, तभी फ्यूचर फ्यूचर ट्रेंड बनी थी सिचुएशन, आप पैसे लेके हमसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लो, रियल सिचुएशन में भी अगर रियल टर्म में भी अगर ये सिचुएशन बनती है कि हमारी सारी कैपेसिटी फुल हो जाती है और उसके बाद भी प्रोडक्शन चलता रहता है तो ऑयल की प्राइस सही में नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन कम करेंगे तो उनको ज्यादा नुकसान होगा एज कम्पेयर टू अगर थोड़ा पैसा देके वो बोले कि हम थोड़ा पैसे ले लो और हमसे ऑयल ले लो। ठीक है। अब इसका जो पूरा जो ऑयल की प्राइसेस कम हुई है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, सबसे देखिए जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है कौन कौन सी जो कंट्रीज है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है, सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है तो ये देखिए आप सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इराक, कुवैत और कतर, ये ओपेक कंट्रीज है। उसके अलावा जो ऑयल प्रोड्यूस करती है वो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, रशिया, चाइना और बाकी ब्राजील, नाइजीरिया, नॉर्वे थोड़ी क्वांटिटी में ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो इंडिया की टर्म में बात करें जो इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है जो कि ब्रांड ऑयल है उसकी हम प्राइस देखें तो उसकी प्राइस अभी चल रही है 20 डॉलर के आसपास पर एक बैरल। साल पर बैरल। तो ये प्राइस एक पिछले एक साल में अगर अप्रैल 19 को देखें तो ये थी लगभग 70-75 डॉलर पर बैरल के आसपास थी, वो कम होके आ चुकी है 20। तो इसका अब नुकसान किसको है और फायदा किसको है, तो इसका फायदा हमें ये कि हमारा एक इम्पोर्ट बिल कम हो रहा है, उसके अलावा गवर्नमेंट को एक तो फायदा हो रहा है कि जो कि हम पूरा जो हमारा जो कच्चा तेल है वो हम पूरा इम्पोर्ट ही करते हैं, हम जो बाहर से मंगाते हैं तो उससे हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो रहा है, जो ऑयल मार्केट कंपनी है उनको उसका फायदा हो रहा है, इसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री को उससे फायदा हो सकता था बट अभी फ्लाइट्स तो सब बंद ही है, ग्राउंडेड ही है, एविएशन को नहीं हो रहा है। पेंट इंडस्ट्री जो पेंट है वो उन इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है जिसमें रॉ मटेरियल पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, तो जो नुकसान हो रहा है जो कि ऑयल रिफाइनरी कंपनी से जैसे ओएनजीसी हो गया और रिलायंस हो गया। उसके अलावा एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अभी हम सोचे या मैं आपसे पूछता हूँ शोएब कि इसके अलावा आपको क्या लगता है कि किन किस सेक्टर को इंडिया में या पूरे वर्ल्ड वाइड नुकसान हो रहा होगा इस जो क्रूड के जो दाम कम हुए, कच्चे के दाम कम हुए। आपने जो बताया पेट्रोलियम स्पेसिफिकली कंपनीज लाइक रिलायंस और ओएनजीसी जो इससे रिलेटेड इसके एक्सट्रैक्शन में काम करते हैं, मुझे लगता है मे बी इसका नुकसान उन इंडस्ट्रीज में भी हो रहा होगा जहां पर पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोलियम जेली टाइप का जो प्रोडक्शन होता है उन इंडस्ट्रीज में भी हो रहा होगा। मैं बताऊँ उसका एक नुकसान नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है शुगर इंडस्ट्री को। शुगर इंडस्ट्री को कैसे नुकसान हुआ है, एक तो शुगर इंडस्ट्री के जो मैं जो नुकसान हो रहा है जब ये 20 तारीख को जब ये नेगेटिव में प्राइस गई थी तो उसके नेक्स्ट डे 21 अप्रैल को जो न्यूयॉर्क में जो शुगर की जो ट्रेडिंग हो रही थी कमोडिटी मार्केट में वो पहुंच गई थी 9.7 सेंट पर पाउंड, जो कि 2008 के बाद सबसे लो था। 2008 में हिस्टोरिकल लो बना था जो कि था 9.7 सेंट पर पाउंड, उसके बाद हिस्टोरिकल लो बना है 9.75। अब इसके दो रीजन है, एक तो रीजन है कि डिमांड अभी शुगर की कम हो गई ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि दुनिया भर में रेस्टोरेंट्स बंद है, कोई बड़े पब्लिक फंक्शन नहीं हो रही है, वेडिंग्स नहीं हो रही है, और उसके साथ साथ लोग अभी जैसे आइसक्रीम हुआ या जो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ उसका कंजम्पशन अवॉइड कर रहे हैं। दूसरा रीजन है ये क्रूड ऑयल की प्राइस का कम होना, क्योंकि जो शुगर कैन है उसका यूज करके एक प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल, तो ये इथेनॉल यूज किया जाता है मिक्स किया जाता है पेट्रोल में। जब भी क्रूड ऑयल की कच्चे तेल की प्राइस ज्यादा होती है तो पेट्रोल में इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है, अब जबकि कच्चे तेल की कीमत कम हो गई है तो इथेनॉल का परसेंटेज कम मिक्स किया जाएगा पेट्रोल में, तो
उसका इफेक्ट पड़ रहा है शुगर इंडस्ट्री को भी। इंटरेस्टिंग, क्या इसका फायदा आपको और हमें मिल रहा है? अगर आप देखें ये जो कि आपके सामने स्क्रीन पे जो ग्राफ दिख रहा है, ये तेल 2019 में देखे तो क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल हम इंडिया इंपोर्ट कर रहा था उसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 75 और आज की तारीख में हो चुकी है लगभग $20 के आसपास। राइट, क्या इसका फायदा आपको हमें मिला है? लग तो नहीं रहा है, लग तो नहीं रहा है। अभी हाल ही की न्यूज थी, जब ये न्यूज चल रही थी उसके बीच में एक न्यूज आई थी कि असम में पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के। ओके, एक तो उसके दो रीजन है, एक तो क्रूड के दाम जो कम हो रहे हैं, कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं, उसके साथ साथ रुपए भी वीक हो रहा है। वही जो इम्पोर्ट होता है ये डॉलर के टर्म में होता है। राइट, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो बेनिफिट हमें जितना बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। उसके साथ साथ सरकार पेट्रोलियम पर टैक्स बढ़ाई जा रही है ताकि उनका रेवेन्यू बढ़े। कितना हम टैक्स देते हैं के लिए आपकी एक स्क्रीन दिखा है कि दिल्ली में 1 अप्रैल को पेट्रोल प्राइस कितनी थी। दिल्ली में 1 अप्रैल को जो पेट्रोल प्राइस थी वो थी ₹69.59 पर लीटर। ओके, इसका बाइफरकेशन देखें जो कि ऑयल जो कंपनी और मार्केटिंग कंपनी है उसको की कीमत जो पड़ रही दिल्ली में वो पड़ रही थी ₹27.96 इंक्लूडिंग फ्रेट, जो भाड़ा उसको दिल्ली में पेट्रोल लाने का है वो इंक्लूड करके 27.96 पर लीटर को प्राइस पड़ रही थी। उन्होंने ये पेट्रोल डीलर को बेचा है, जो डीलर को प्राइस किया है वो क्या है ₹28.28 में। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी लगी है ₹22.98। ओके, ऑलमोस्ट 90% से के आसपास, एक्चुअली उससे कम। और उसके बाद फिर आता है डीलर कमीशन, जो कि जो आप पेट्रोल पंप वाला इसका जो कमीशन है उसमें ये ₹3.54। और उसके बाद वैट, वैट लगा है ₹14.97। जिस स्टेट पे एक्साइज, हां स्टेट एक्साइज ड्यूटी जाती है सेंटर के पास, वैट जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। राइट, तो आप ये एक्साइज ड्यूटी वैट को जोड़े और देखिए कि टोटल प्राइस में इसका परसेंटेज कितना है, जो 69.59 प्राइस है तो वो परसेंटेज आता है 54%। ओके, यानी हम जो पेट्रोल खरीद रहे हैं इसको लगभग 54% हम टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे करते हैं। ओके, तो ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे बढ़ाई जा रही है, डीजल पे बढ़ाई जा रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी वेट बढ़ाया जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी तो ऑल ओवर इंडिया में सेम ही है, जो हर स्टेट में पेट्रोल की प्राइस में कम ज्यादा जो होती है वो होती है वैट की वजह से, कि दिल्ली है, दिल्ली में 14.97 यानी ऑलमोस्ट 15 रुपीस वैट लग रहा है, कुछ स्टेट 15 रुपीस, 22 रुपीस, 25 रुपीस तक वैट चार्ज करते हैं। ये जो टैक्स रेट्स देख के मेरे दिमाग में एक बात आई वो ये थी कि रिसेंटली काफी बात चल रही थी कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव होना है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सही में मेनस्ट्रीम हो जाते हैं, अगर 10 में से 8 कार इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाती हैं और 10 में से 8 टू व्हीलर्स इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाती हैं, तो फिर इस टैक्स का क्या असर पड़ेगा गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर, क्योंकि उनका वैट और उनका एक्साइज भी काफ़ी तेजी से नीचे जाएगा। उसका काफ़ी असर पड़ेगा, जैसे देखा हमें देखा कि लगभग 54% हम जो पेट्रोल खरीदे उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए तो गवर्नमेंट का पूरा जो रेवेन्यू मॉडल है वो उनको बदलना पड़ेगा। पर इंडिया में तो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो सामने बोला 10 में से 8 उसको तो काफ़ी अभी के समय पर लगता है काफ़ी टाइम है, ये भी कुछ आने वाले कुछ सालों में तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। और इसी वजह से दुनिया की जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है जिसको कभी कच्चे तेल को काला सोना बोला जाता था, अब इतना उसमें स्कोप नहीं रहा है। बेसिकली इंडिया के एग्जांपल देखे जो रिलायंस इंडस्ट्री है मुकेश अंबानी की, उनका पहले मेन फोकस था ऑयल में पूरा पेट्रोलियम पे, धीरे धीरे वहां से अपना फोकस हटाया जा रहा है। ऐसे रिलायंस की फेसबुक के साथ डील हुई है, तो दे आर मोर इनटू टेलीकॉम एंड डाटा बोला जा रहा है। जो नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है, तो अभी तक जो ऑयल इंडस्ट्री थी उसकी जो जगह ले सकता है वो है डाटा। डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू ऑयल। हाँ, तो रिलायंस स्पेसिफिक अगर बात करें तो एक तो उनका जियो ऑफ कोर्स है ही डेटा रिलेटेड, देन आई थिंक रिटेल में भी काफ़ी तेजी से रिलायंस आगे बढ़ा है। जी रिटेल धीरे धीरे, वो जियो अब जो फेसबुक का है तो आप सब ग्रॉसरी खरीदना है आपको पेमेंट करना है आप तो आप जियो से या व्हाट्सएप से आप आगे जाके कर सकते हैं। कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये तो आगे वाली बात है, तो देखा जाएगा आगे क्या होता है। लेकिन फाइनली आज इस वीडियो में समझ में आया कि क्रूड ऑयल पर कोई भी कैशबैक ऑफर नहीं चल रहा है, वो सोच के आप किसी पेट्रोल पंप पर ना जाए। शायद आपको थोड़ा हो सकता है डिसअपॉइंटेड लगा हो, लेकिन होपफुली किसी चीयरफुल टॉपिक के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।